प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे आपकी? सबसे पहले तो मैं आज शहीद दिवस है, उन शहीदों को ऑल इंडिया लियापी की तरफ से नमन करता हूँ, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण निछोर कर दिए। जो आंदोलन आज हम लोग कर रहे हैं, 12 लाख एजेंट अपना कामकाज बंद रख के पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, उसकी कई वजह हैं। पहला वजह है जो हमारी कुछ मांगे हैं, आज प्रधानमंत्री का सपना है कि हमारा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होना चाहिए। आज LIC का साल भर का नॉन सिंगल प्रीमियम 30,000 करोड़ है, तो हम एजेंट चाहते हैं कि हम हर साल 1,00,000 करोड़ रुपया इकट्ठा करके सरकार को दें, ताकि प्रधानमंत्री का जो सपना $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का है वो सच हो सके। इसके लिए हमारी कुछ मांगे हैं, LIC से भी है, सरकार से भी है। सरकार से जो हमारी मांगे हैं उसमें ऐसे एक है, जो GST प्रीमियम पर सरकार लगा रही है, हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी की सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, और जो पॉलिसी होल्डर अपना बचत करके अपना पेट कार करके प्रीमियम भरता है, कम से कम उस LIC प्रीमियम पर GST नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पर कोई GST नहीं है, तो LIC पे भी GST नहीं लगना चाहिए, दोनों इंश्योरेंस हैं। सेकंड चीज जो हमारा है, LIC का प्रॉफिट हर साल बढ़ता जा रहा है, लेकिन LIC का बोनस नहीं बढ़ रहा है। जो पॉलिसी होल्डर हमारे LIC के असली मालिक हैं, वो अगर खुश रहेंगे तो पूरा LIC स्टाफ, एजेंट, ऑफिसर सब खुश रहेंगे, तो जरूर है बिजनेस को बढ़ाने की। इसके लिए हमारी डिमांड है कि जैसे LIC का प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसके हिसाब से बोनस बढ़ाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमा खरीदें और देश के आर्थिक योगदान में अपना योगदान कर सकें। तीसरी चीज़ जो हमारा है, LIC का एक इंश्योरेंस एक्ट 1938 में एक सेक्शन था, सेक्शन 44, उसके अनुसार अगर एजेंट काम करता है तो उसका रिन्यूअल कमीशन और उसकी डेथ के बाद हेरिडिटरी कमीशन गारंटेड था, वो सरकार ने उस सेक्शन 44 को हटा दिया। हमारी डिमांड है कि सेक्शन 44 को वापस लाया जाए, ताकि जो युवा जो है हमारे, जो बेरोजगार है, अधिकतर युवाओं को अगर गारंटी होगी उनके इनकम की, तो हम इस प्रोफेशन में लेके आएंगे, और जो हमारा बहुत बड़ा स्कोप है देश में बीमा का, उस स्कोप को हम टैप कर पाएंगे, ताकि जो फॉरेन कंपनियां जो देश में ललचा रही है कि हिंदुस्तान में इतना बड़ा सेक्टर है, इतना बड़ा स्कोप है, हम खुद LIC के माध्यम से उस लोगों को पहुँच के उस स्कोप को पूरा करेंगे। दूसरा, अभी जो है LIC का हमारा एक रूल है, LIC का 32,00,000 करोड़ का फंड है, लेकिन उसका कैश से ऑडिट नहीं होता है। अभी मार्केट में कंपटीशन है, प्राइवेट कंपनियां कुछ भी अफवाह फैलाती है, तो हमारा सरकार से मांग है कि LIC का जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका कैश से ऑडिट किया जाए, ताकि इसमें पारदर्शिता बनी रहे, लोगों को ये लगे कि हाँ भाई, जो कुछ भी हो रहा है मेरा पैसा सही जगह पे लग रहा है। हालांकि कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन फिर भी ये समय की मांग है। प्रधानमंत्री खुद चाहते हैं कि हर सेक्टर में पारदर्शिता हो, हम भी चाहते हैं कि LIC का जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका कैश से ऑडिट हो, लोगों को लगे कि उनका पैसा सही जगह लग रहा है। अभी रही बात एजेंटों की डिमांड की, तो हमारा एक एजेंट रेगुलेशन है, उसके अंदर टर्मिनेशन का काला कानून है। तो काला कानून हम इसलिए करते हैं कि कोई एजेंट अगर गलती करता है तो LIC उस पर आरोप लगाती है, LIC जांच करती है और LIC सजा देती है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जो आरोप लगाने वाला, जांच करने वाला, सजा देने वाला एक ही व्यक्ति हो। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ ऑर्डर भी दिया है, उसने लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने, प्रोसिक्यूटर कैन नॉट बी द जज, जो प्रोसिक्यूटर था वो जज नहीं हो सकता, इस कानून को खत्म होना चाहिए। आज छोटा भी गलती करे एजेंट तो सीधा टर्मिनेशन, वो जिंदगी भर बेचारा मेहनत करता है उसका कमीशन जब्त कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति की काला कानून को जल्दी LIC को ख़त्म करना चाहिए। दूसरा, हमारा जो एजेंट मार्केट में ज़्यादा घूमता है, हम अलग अलग एरिया में जाते हैं, अलग अलग तरह का पानी पीते हैं, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, हमारे बीमार होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। LIC एजेंट को कुछ ग्रुप को छोड़ के मेडिक्लेम की कोई सुविधा नहीं है। हमारा LIC से डिमांड है, जितने भी LIC एजेंट है सबको, उसकी फैमिली को LIC मेडिक्लेम में कवर करें, हम उसका जो भी ग्रुप इंश्योरेंस का प्रीमियम देने को तैयार हैं। थर्ड चीज़, एजेंट फील्ड में घूमता है, एक्सीडेंट होते हैं, चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आज हमारा ग्रुप इंश्योरेंस केवल 10,00,000 रुपये कवर है, वो भी एजेंट अपने पैसे से खरीदा है। और जो 10,00,000 कवर है, आज कोरोना में जिसकी डेथ हो रही है स्टाफ को, एक एक किसी को गवर्नमेंट 1,00,000 करोड़ दे रही है। आज हम रिस्क लेके मार्केट में जाते हैं, कई हमारे एजेंट साथी कोरोना के चपेट में आ गए, उनकी डेथ हो गई, उनकी फैमिली के लिए कोई पूरी नहीं होती, तो अगला स्टेप आप लोगों का क्या होगा? अभी हम लोग ज्ञापन देंगे, हमारे जो LIAPI के और जो बड़े अधिकारी हैं वो ज्ञापन देंगे और प्रधानमंत्री से मिलेंगे,
और हम वित्त मंत्री से मिलेंगे। इसके पहले भी दो बार मिल चुके हैं, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए और हम लोग यहाँ के जो सांसद हैं लोकल स्थानीय सांसद भी मुलाकात करेंगे और उनको हम ज्ञापन देंगे कि ये पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएं, ये जो अन्याय एजेंटों के साथ में हो रहा है वो अन्याय नहीं सहा जाएगा। इसके लिए हम लोगों की जो डिमांड दी गई है, जो हमारे बापना जी बताए, उसे पूरी की जानी चाहिए। और जो ये सरकार प्रधानमंत्री IPO ला रहे हैं, वो IPO से जनता में आज डर बना हुआ है। आज हम जहाँ पर भी जाते हैं, हमारे जो भी हैं क्लाइंट, वो डर गए हैं। उनको लग रहा है कि प्राइवेट होने जा रही है, प्राइवेट इतनी कंपनियाँ, 38 कंपनियाँ ऑलरेडी प्राइवेट कंपनियाँ हैं। LIC को जो सॉवरेन गारंटी दी गई है उसके ऊपर एक जनता में विश्वास था, वो विश्वास खो रहा है। आज हम लोगों को पॉलिसी देने के पहले लोग आवाज़ पूछते हैं कि भाई आपके LIC प्राइवेट होने जा रही है, उसका आप क्या कर रहे हैं। हम लोग इसलिए हम प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं कि IPO जो है वो रद्द किया जाए। आज इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, हम लोग पैसे जो जमा करते हैं उस पर इंटरेस्ट कम हो रहा है, यहाँ पे लोन पे इंटरेस्ट ज़्यादा किया जा रहा है, उस पर भी पब्लिक को बहुत नुकसान हो रहा है। और आज क्लाइंट हमारे चिल्ला रहे हैं कि इतना आपके यहाँ 9.5% इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए। और एजेंटों के साथ में जो टर्मिनेशन करने का जो प्रावधान है वो गलत है, उसे रद्द किया जाना चाहिए, हमारी प्रमुख मांगे हैं। ये जो प्रदर्शन चल रहा है सिर्फ मुंबई में इसी ब्रांच में चल रहा है कि पूरे? नहीं नहीं, ऑल ओवर इंडिया ये प्रदर्शन चल रहा है। हमारे जो LIFE के अधिकारी लोग हैं, हर एक ब्रांच में जो ये प्रदर्शन चल रहा है। और हमारा बहुत बड़ा अभी जो 21 लाख एजेंट हैं वो सब एक साथ में आए हैं, डेवलपमेंट अधिकारी हमारे साथ में आए हैं कि जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय के विरोध में हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और हमारी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता।